जंगल का राजा शेर बहुत ही अच्छा राजा था। वो हमेशा अपने जंगल की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। इसलिए उसने दो ताकतवर बाघ को जंगल की सीमा पर पहरेदारी के लिए खड़ा किया हुआ था। दोनों बाघ 24 घंटे सीमा पर ही रहते थे, इसलिए बाकी के जानवर भी खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। एक बार की बात है, एक विशाल और खूंखार डायनासोर उनके जंगल की तरफ आ रहा था। तभी दोनों बाघ उस खूंखार डायनासोर को सीमा पर ही रोक लेते हैं और एक बाघ कहता है, रुक जाओ डायनासोर, हमारे जंगल में पैर रखने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मुझ जैसे ताकतवर और विशाल डायनासोर को आज तक कोई नहीं रोक पाया, तो तुम क्या चीज हो? अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मेरा रास्ता चुपचाप छोड़ दो। बाघ उस खूंखार डायनासोर को जंगल के अंदर आने से रोकते हैं। तब खूंखार डायनासोर गुस्से से उन दोनों पर हमला बोल देता है। बाघ भी हिम्मत से डायनासोर का सामना करते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक बाघ मारा जाता है और दूसरा घायल हो जाता है। घायल बाघ भागते हुए शेर के पास जाकर विशाल खूंखार डायनासोर की सारी बात बताता है। तब शेर और बाघ दोनों ही जंगल की सीमा की तरफ आते हैं, जहां डायनासोर बाघ को खा रहा था। तब शेर गुस्से से कहता है, अरे ओ खूंखार डायनासोर, मेरे जंगल में आकर मेरे ही पहरेदारों को मार रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेर और खूंखार डायनासोर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर इस लड़ाई में खूंखार डायनासोर की ही जीत हो जाती है। शेर घायल हो जाता है। तब शेर और बाघ दोनों ही वक्त की नजाकत देखते हुए जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। खूंखार डायनासोर शेर को डरपोक समझकर उस पर हंसने लगता है और जंगल में घुस जाता है। जंगल में घुसते ही डायनासोर वहां तबाही मचाने लगता है, जानवरों पर हमला करके उन्हें घायल करने लगता है। वो मासूम जानवरों का शिकार करने लगता है। उधर शेर और बाघ भागते हुए किसी दूसरे जंगल आ जाते हैं। शेर घायल होने की वजह से काफी थक जाता है। तब बाघ कहता है, महाराज आप यहीं पर आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बाघ पानी लाने के लिए तालाब के पास जाता है। वहाँ उसे हाथियों का एक झुंड दिखाई देता है। उस झुंड में एक हाथी बड़ा और जादुई शक्तियों वाला था। बाघ तुरंत उस जादुई हाथी के पास जाता है और उसे खूंखार डायनासोर और शेर की बात बताता है। हाथी शेर महाराज की मदद करने की ठान लेता है और वो बाघ के साथ शेर के पास जाकर कहता है, शेर महाराज मुझे उस खूंखार डायनासोर के बारे में सब पता है, मैं एक जादुई शक्तियों वाला हाथी हूँ, मेरे सामने वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, मैं आपकी मदद करूंगा महाराज और आपको आपका जंगल वापस दिलाऊंगा। तब महाराज शेर और बाघ जादुई हाथी को लेकर डायनासोर के पास पहुंचते हैं। तब डायनासोर हंसते हुए कहता है, ये क्या शेर, खुद का बस नहीं चला तो इस मोटे हाथी को ले आए मुझसे लड़ने के लिए, मुझे तो लगता है ये हाथी शरीर से नहीं अक्ल से भी मोटा है, तभी तो मुझसे लड़ने आ गया, ये मेरा क्या ही बिगाड़ेगा, मोटा कहीं का। तब जादुई हाथी को बहुत गुस्सा आता है और वो जादुई हाथी उस खूंखार डायनासोर पर हमला बोल देता है। इस बार की लड़ाई में खूंखार डायनासोर उस जादुई हाथी का सामना नहीं कर पाता है, वो उसकी शक्तियों के सामने हार कर मारा जाता है। तब ये बात जब जंगल में पता चलती है तो सारे जानवर बहुत ही खुश हो जाते हैं। शेर के प्रति जो नफरत जानवरों के मन में आ गई थी वो प्यार और सम्मान में बदल जाती है। अब जादुई हाथी और शेर दोनों अच्छे दोस्त बनकर एक साथ जंगल में रहते हैं। जब भी जंगल पर कोई मुसीबत आती तो शेर और जादुई हाथी मिलकर उसका सामना किया करते और उस जंगल की रक्षा किया करते। तो दोस्तों
कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।